यार जन्नत में रिएक्शन तो बता नहीं सकती, पता क्या? बारिश हो रही है लेकिन शिखर एक कुत्ता देख लिया है डबल वाला और भाग दे, अब यहाँ से भाग दे की जुगाड़ कर रही है। ये देखिए माँ का गाना बज रहा है। जय भोले की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपको लेकर चलेंगे डलहौजी और खजियार की सैर पर। डलहौजी हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा एक छोटा सा शहर है जो यहाँ आने वाले लोगों को अपना दीवाना बना लेता है। ये मॉल रोड है इस साइड पूरा, ये चर्च है, तो अभी हम यहाँ चाय वाय पीते हैं। ये जो है डलहौजी पब्लिक स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, काफी फेमस है। वैसे मेन डलहौजी में तो हमें कुछ खास घूमने वाली जगह नहीं लगी, लेकिन इसके आसपास की जगहें वाकई किसी जन्नत से कम नहीं है। आपको बता दें कि डलहौजी का करीबी एयरपोर्ट कांगड़ा में है और करीबी रेलवे स्टेशन पठानकोट में। हम नोएडा से पठानकोट तक ट्रेन से आए और फिर पठानकोट से बस द्वारा शाम तक डलहौजी पहुंचे। डलहौजी में एक रात रुकने के बाद अगले दिन हम निकले डलहौजी से 22 किलोमीटर दूर खजियार की यात्रा पर। ये डलहौजी के खूबसूरत नज़ारे, मौसम काफ़ी बदल चुका है। जहाँ सुबह तक धूप थी और शिखा जी कह रही थी कि मौसम धूप है गर्मी होगी, तो मैंने इनसे कहा कि मौसम काफ़ी बदल जाएगा, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं। और अब जो है इन्हें ठंड लग रही है फिलहाल के लिए। ये काला टॉप के लिए रास्ता जाता है लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे यहाँ से, लेकिन फिलहाल अगर आप आते हैं यहाँ पे तो यहाँ से लक्कड़ मंडी से आप ये सामने वाला रास्ता जो है ये काला टॉप जाता है, तो आप काला टॉप घूमने जा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है, भैया यहाँ पे डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बरसात को, बर्फ और पानी कोले पे पड़ रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। जिंदगी को हमें ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए। हम खजियार आ चुके हैं और जो हम मैं मतलब सीनरी देखा करती थी सेम वैसा ही है, ये बहुत प्यारा है। वो वहाँ पर झील दिख रही है, बता रहे हैं बहुत जरा सी है, बहुत छोटी है बट है बहुत ज़्यादा गहरी, और बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन घूमना है मुझे, मैं जाऊँगी अभी नीचे वहाँ पर। तो यार यहाँ बारिश का कब तक मतलब वेट करते कि कब बंद होगी, और यहाँ ओले बारिश सब है यार जन्नत में। चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ यह मैदान। जाड़ों में यहाँ पे क्या होता है, ये देवदार के जो पेड़ हैं यहाँ पे बर्फ जमी होती है। ये पूरा अच्छे से यार मुझे सब तो लग रहा है। बड़ा लो किस कर लो, अरे सर पे बैठा दिया। ये वाला करने की जल्दी करना, बॉटी डकर दे गई। नॉर्मल नॉर्मल एक लेके जल्दी करो इसे। हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर, और हमने जो है यहाँ पे मजा लेने के लिए पहाड़ी आलू चाट बनवाई है। ये देखिए पहाड़ी आलू चाट कितनी देखने में अच्छी लग रही है। हाँ खा के बताइए, खा के बताइए जल्दी से, खाइए खाइए। तो ये
भावुक बोलती है, भावुक हो गए हम। कैसे भावुक हो गई? मतलब रोने वाला भावुक थी वे। हाँ कितनी अच्छी जगह है। अच्छा एंजॉय करो फिर उसे। और बारिश हो रही है लेकिन सिखा रे कुत्ता देख लिया है टावर वाला और भाग दे, अब यहाँ से भागने की जुगाड़ कर रही है। अभी बोल रही थी मुझे यहाँ घर दिला दो और कुत्ता देखा बोला टावर में जल्दी भागो भागो, देखो भागे जा रही है और मुझे भी उस चक्कर में भागना पड़ रहा है। खैर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें और मन नहीं था लेकिन कुत्ते ने इनका मन जो है उजाड़ दिया और एक डॉगी ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। खजियार ने हमें अपना आशिक बना लिया, हमने यहाँ अपना पूरा दिन बिता दिया और हमें पता भी नहीं चला। खजियार के बाद हम पहुँचे पंचपुला जो डलहौजी से करीब 4 किलोमीटर दूर है। बारिश बहुत तेज हो चुकी है तो अभी हम गाड़ी की तरफ भागने की जुगत में हैं कि कैसे भी करके गाड़ी की तरफ भागा जाए। और हमारे ड्राइवर साहब का भी फ़ोन आ चुका है, उन्होंने कहा है कि बारिश यहाँ पर तेज़ हुई है तो चढ़ाई पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, तो जल्दी से आ जाइए वरना गाड़ी को चढ़ने में बड़ा दिक्कत होती है। तो बारिश बहुत तेज़ है, हम फिलहाल के हल्का सा भीगते हुए निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ। आ जाओ ट्रैफिक से। ये देखिए हम बीजी पार्क हैं और सबसे अच्छी बात लिखी है ए ट्रिब्यूट टू ऑल मदर्स, मतलब सभी माओं को ये समर्पित है। So excited, बहुत अच्छा है, देख लो मेरी, यार ये पानी यहाँ से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है बारिश का। हमारे पास समय कम था सो हम ज्यादा जगहों पर तो नहीं घूम पाए, लेकिन अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों पर भी घूमने जा सकते हैं, जैसे कलाटाप खजियार सेंचुरी, सतधारा झरना, चामुंडा देवी मंदिर, बरकोटा हिल्स, सच पास, सुभाष बावली, डैम कुंपी, गंजी पहाड़ी, रॉक गार्डन। अगर आप भीड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ समय सुकून से बिताना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आए। ये देखिए हम की छत पर बिना परेशान के आ गए हैं और ये देखिए फोटो के शौकीन फोटो लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। शिकू जी को भूख लग रही थी तो मैंने कहा कुछ क्या किया जाए, तो क्या किया जाए फिर क्या मंगाया है। और ये देखिए पकौड़ियाँ आ गई हैं, प्याज आलू की गर्मा गर्म पहाड़ी चटनी के साथ, इसे सीखा अभी तो स्टेटस लगाने में बिजी है। क्या बेहतरीन हवा है, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं, उड़ते उड़ते बाल, मेरी वाइफ कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।